लाल सलाम। लाल सलाम। मुहिम पर जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। भारत का इतिहास दुनिया का सबसे प्राचीन इतिहास है, सतयुग से लेकर अब तक। सतयुग में जब भी पुरुषों ने किसी मुहिम पर जाने की सोची है तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। अगर विष्णु और महादेव ने असुरों का वध करने के लिए शस्त्र उठाए थे तो दुर्गा और काली भी पीछे नहीं रहीं। और आज के युग में भी ऐसी मिसाल है, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई बनना है और सतयुग को लाना है, समझे? कलयुग को बदलना है, फिर से सतयुग को लाना है। दुनिया दुनिया ने हमारी मूवमेंट के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो बेमिसाल है। ये इतिहास की किसी भी वीरांगना से कम नहीं है। नहीं तो अपने माथे का सिंदूर पोंछ देना कोई आसान काम नहीं है। शाबाश बेटा, अब तुम्हें इनका साथ देना है, इनका साथ देते हुए लड़ना है। लाल सलाम। लाल सलाम। नैना, तुम आओ बैठो। अरे अरे नैना, नैना ये देखो मैंने एक प्लान बनाया है जिससे हमारे देश के हर हाथ में काम होगा और हर चेयर। अरे अरे नैना, तुम सुनो मेरी बात सुनो नैना। देखो इधर ये हमारा प्लान जो है जिससे देश खुशहाल हो जाएगा। अरे नैना समझो बात को, ये जो हम कर रहे हैं ना, अगर यही सब करना होता तो बाहर की दुनिया में नहीं करता मैं। नैना, ये जो एनर्जी तुम इस बात पर लगा रही हो ना, वही एनर्जी अगर तुम अपने लक्ष्य पर, अपने मिशन पर लगाओगी तो हमारा मिशन दुगनी तेजी से बढ़ेगा। नहीं चंदन, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता। नैना, कुछ भी नहीं होता। नैना सुनो, नैना चंदन मेरी सुनो, मेरी बात सुनो। नैना होश में आओ। नैना होश में आओ सुनो। नैना देखो, ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। तुम समझ रही हो ना? आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे टेंट तक छोड़ देता हूं। चलो मैंने आप सबको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देने की कोशिश की है और आप, मेरा यह मानना है कि आप सब कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है, कोई शक नहीं। गुड। और अब हमारा अगला मिशन है कि आप सब अलग अलग टुकड़ियों में बट जाएं और यहीं इसी जंगल से हम व्यवस्था पर चोट करेंगे। आप सबके अलग अलग इलाकों में आने वाले पुलिस स्टेशन, उनको हम नेस्तो नाबूद करेंगे और उनके हथियारों पर कब्जा करेंगे, कोई शक नहीं। कसम जो लेनी हो तो रख दो अपने दिल पर हाथ, अपना दिल ही पवित्र गीता, अपना दिल ही कुराने पाक। ये दुनिया की जो अदालतें हैं हम उन पर जाने को तैयार नहीं, इंसाफ हमारा यहीं पर होगा, अब कोई सरकार नहीं। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम।
हेलो, नक्सली एरिया में जानकी की ड्यूटी लगाई है, गुड जॉब। तो सरेंडर कर दे। तुझको क्या लगता है कि हमको मार देने से, हमको खत्म कर देने से ये पूरा नक्सल खत्म हो जाएगा? बहुत गलत सोच है तेरी पुलिसिया। तू पहले अपनी सोच, नक्सल के बाद में सोचना। लाल सलाम। मेरी डिक्शनरी में ना कोर्ट है, ना तारीख है और ना ही जिरा है, सीधा फैसला होता है। लाल सलाम। पुलिस ने नक्सलियों के हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया है और अब उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई और भी तेज और भी कठोर होगी। अगर वो लोग पुलिस और कानून को कमजोर समझ रहे हैं तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पुलिस और कानून अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। हेलो, यस, ओके ओके ओके, आई एम कमिंग। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बात हमेशा जान लो बेटी, माँ और मातृभूमि के लिए अगर जान भी देना पड़े ना तो उसे कभी मत हटो। बट पापा, कभी अगर रिश्ते और फर्ज के बीच में जंग हो जाए तो? अगर रिश्ते और फर्ज में जंग हो जाए तो फर्ज हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि रिश्ता किसी एक के प्रति होता है और फर्ज करोड़ों के लिए होता है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आई बेटी जहाँ आपको इस जंग से गुजरना पड़ा तो याद रखना, हर रिश्ते को फर्ज पर कुर्बान कर देना। बोलिए। हम पुलिस की इस क्रूर कार्रवाई का जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, जिसकी धमक से दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ जाएगी। लाल सलाम, लाल सलाम।